लोग गोरखपुर जा रहे हैं। किलोमीटर था उसके लिए है, उसका भी ठीक है। कल गोरखपुर इतना किलोमीटर आ गया आगे और उपाय नहीं है ना। ओझा जी कौन है? ये वकील है। अच्छा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने शहीदों पे, बस्ती के शहीदों पे कुछ काम किया है। शहीद स्मारक समिति यही चलना है ना, यही से। तो इनका क्या संबंध है इस प्रोजेक्ट से? संबंध जो कुशी साहब थे, उन्होंने बताया कि अभी उसकी ओझा साहब ने दी और उन्होंने सुगौली के उस परिवार से रिसर्च किया है। इनके पास किताबें आपको मिलेंगी। ये नहीं मालूम था कि सुंदर सिंह सेनानी से सब परिवार संबंधित है। इनके पास किताबें बस्ती के पिछले इतिहास के बारे में, ठाकुरों के बारे में, क्योंकि ठाकुरों का एक बहुत था मामला। इसी पे है ना, हो जाए करवा। हमसे कहा श्री विजय सेन सिंह से, वकील साहब मिले कचहरी में। हम लोग गए पता करते हुए कि कोई जो है इस तरह का काम मतलब किया हो। जी, और बीजेपी के नेता भी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर हम तलाशे आपको, वहाँ पे आपसे मुलाकात नहीं हुई, फिर हम यहाँ घर पे आए, आपसे मुलाकात हुई। तो ये जो आपका आपने उपलब्ध कराया, ये पुन्नु सिंह जी वाला, तो ये रिकॉर्ड, पुन्नु सिंह यहाँ से चले गए थे 25 साल की उम्र में। तो
इनके संबंधित रिकॉर्ड आपने जो शहीद स्मारक समिति का निर्माण किया उसके बारे में खोज किया, इससे पता चला श्री गुलाम सिंह जो है सुंदरसाम से आनी थे, तो ये कौन और कौन कौन से रिकॉर्ड आपको वहाँ से मिले, कैसे जिसे आपने जैसे श्री गुलाम सिंह गए ये और ये क्यों ये श्री गुलाम सिंह मार दिए गए, तो ये पुन्नू सिंह भी ये लोग वापस चले गए, इनके पास पूरी संपत्ति क्यों आके चले गए? देखिए मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष था जी, तो मैं नहीं चाहता था पार्टियां टूटे जी, कोई समय की पालन के दूरी मिनट चार मिनट का ना हाँ, बोलिए बताइए हाँ, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा हाँ, आप लोगों के और आपको संक्षेप में बताइए संक्षेप में ही तो हर व्यक्ति को राष्ट्रीय सोच का आदमी होना चाहिए, चलो इसको बोले बताइए हम श्रीनेत बंसावली के हैं हाँ। तो क्रिमिनल बंसावली का मैंने ओरिजिन अच्छा ढूंढना शुरू किया हाँ हाँ। तो मैं गढ़वाल गया जी, क्रिमिनल बंस के ठाकुर वहाँ गढ़वाल में है जी, तो ये वही कहा थोड़ा गढ़वाल गया हाँ। तो वहाँ हमको पता चला कि राजा भासी जी वो श्रीनेत बंसावली के ही हैं अच्छा, तो मैं राजा बांसी क्या नहीं जाना चाहता था, इसलिए गढ़वाल गया क्योंकि राजा बांसी तो महान गद्दार भाई, अभी बुलाएगा ठीक है कोई नहीं, गद्दार थे अंग्रेजों के गुलाम थे, मारे गए शेर मरवा उनको पछाड़े अच्छा। मार करके, तो जब राजा बांसी क्या मुझे मजबूरन उनके यहाँ कोई कारिंदा थे जिनके पास वो श्रीनेत बंसावली की डिग्री थी अच्छा। तो मैं कोई थे नाम मुझे भूल रहा है हाँ। अगर आप पहले बदल में उनका भी नाम उसमें जिक्र हो जाए बोला नहीं बोला तो उन्होंने मुझको दिया राजा महारानी मोहभक्त लक्ष्मी अच्छा महारानी महारानी मोहभक्त लक्ष्मी पशुपत नारायण की पत्नी महारानी मोह जो जयप्रताप सिंह वर्तमान में उनकी माता मोहभक्त लक्ष्मी उनके उनका उन्हें अपने कारिंदा को बुलाया तो कहे भाई हमारी बंसावली या हमारे ओरिजिन कहाँ से है उनको जो कागज हो उसको उपलब्ध कराना तो उनके पास एक कागज था अच्छा। तो उससे मैंने फिर मैं यहाँ पूरे जिले में श्रीनेत बंसावली का लेकिन यह जो कहे ये कहा कि दो नाम हो सकता हाँ दो नाम हो सकता ओझा जी और उसमें सारे उर्दू में कुछ कागज थे तो उससे कुछ आपको मिली मदद मतलब उसमें उस परिवार से इनाम देंगे या मिठाई खिलाएंगे नंबर अगर उनके पूरे परिवार के पीछे पुलिस पड़ी हुई अरे पुलिस पड़ी हुई वो गढ़ी आज भी मौजूद है उनका जल के देखाई है जी हा? जो उनका मकान ये वो किनारे किनारे खाई हो बीच में गए होंगे अभी नहीं गए हम गए वहाँ जी तो वो जुर्म जाति की कहानी जी तो 42 तक चला है ना बल्कि बयालीस के बाद कम हुआ उनका खानदान जो हमेशा विरोधी रहा है लेकिन उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया अच्छा पूरे परिवार मतलब तो इसी नाते भागे लग रहा है घर से जो है नहीं तो आप तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता अच्छा जुल्म और जाति के नाते में जुल्म मजदूरी करके फाका फूसी करके रहेंगे जी जी हाँ जी भीख मांग के खाएंगे मगर अब अंग्रेजों की बात नहीं बचाएंगे जी ये लिख दिए थे मैंने उन लोग सबके सब मेरे कोई बहादुर लड़का हो तो कहे भाई दुर्नाति को उधर जाओ आना और उनको लगा कि हाँ ये अंग्रेजों का अन्याय है उनको नहीं रहे हम नहीं देंगे लगान लगान पर बगावत हुआ था कि हम माता जी ईस्ट इंडिया कंपनी की माता जी ने स्वीकार करेंगे जी। अब ये अपने को घोषित कर दिया कि हमको नहीं देंगे लगान कैसा सरकार कहेंगे वो हमारी हमारे देश की सरकार कैसा सरकार हम नहीं देते
अब आप नहीं देते तो सरकार तब्दान सुन लेगी। एक दिन अभी अच्छा, उनके परिवार के पीछे मतलब 1942 तक लोग पड़े रहे, ये चलता रहा वो जो आर्थिक बराबर अभी ऊंचा होगा फंस दिया गया। लोग बताते हैं वहाँ उस किले से अयोध्या जी में जब नागेश्वरनाथ मंदिर पर चिराग जलता था तो उस किले पर वो दिखाई देता था कितना ऊंचा किला था। अब लोग कहना है लोगों का, हर लोग हमने देखा तो हमको 70 बरस मेरी उम्र है तो मैं 200 बरस की कहानी कहाँ देख करके आई कितने बरस सकता हूँ, लेकिन हमने हमारा सारा भाई खाया नहीं। आप ठीक है ठीक है। तो श्रुतियों और स्मृतियों पर ही है जी जी। हमारा वो रिकॉर्ड तो श्री मनसावली के अच्छा मिले हमारे कुआं कुआं से निकली हुई अच्छा कुएं में से राम आखरे चौधरी के यहाँ बहादुर थे कि तीन तलवार से वो लड़ाई लड़ते थे। एक तलवार दांत में दांपते थे और दो तलवार हाथ में। हाँ, लंबे चौड़े काफी थे उनके बारे में भी हुआ। और उनका हम गए कलकत्ता म्यूजियम में अच्छा, है हाँ। उनके कुछ अवशेष क्या होंगे मगर उनके बारे में कुछ और मिल सकता है। अच्छा, मतलब बस्ती जिले के कुछ शहीद स्थलों के जो है नाम बता दीजिए। ये नहीं 20 बताना है आपको। हाँ तो कुछ बता दीजिए ठीक है। और धार्मिक स्थल भी अब वही तो मैंने कहा टाइम लगेगा हाँ। तो टाइम आप जाए तो बता दो अभी हुआ तो हमको लोग मैं तो खबर प्रहार करना चाहता था इस माध्यम से कम लगे कि हाँ कितना जुल्म कर रहा है ये राजनीति का जो लंबरदार है कि राजनीति के तो अब देखिए गुलाम सिंह को मैंने खोजा जी। तो उन्होंने कहा अरे बता मैंने बताई दिया कि ठाकुरों के जमात के राजा महाराजा है उनसे पैसा पाएगा दलित बाबा ने अपना खर्चा चलाएगा चलाएगा मैं मेला लगाऊंगा। तो मैंने फिर मैं जब बांध बाबरी मस्जिद गिरी हाँ। तो नगर जो जहाँ राजा उदय प्रताप नारायण सिंह शहीद हुए थे हाँ। वही थाना बना था अच्छा। वही में हम लोग कैद किए गए। तो सवेरे गए तो वहाँ एक बोर्ड है कभी आप अरे पूरा बहुत लेकिन क्या कहें भाई। तो वहाँ एक दुबरी दुबे जब यहाँ जिलाधिकारी थे बहुत लंबा पूरा वो धंधा बना सकते हैं आप लेकिन उनके पूर्वज ये देखेंगे लोग अगर कनाडा वाले बड़े खुश हो जाएंगे बड़ा अच्छा हुआ हमारे पूर्वज चले आए बड़ा अच्छा हुआ हमारे पूर्वज चले आए यहाँ और नाम भी जाम में फंस रहे थोड़ा
विवाह की देन है। हुए किसी से लेते हैं, पूछते हैं उनके बारे में, किसके बारे में? उर्मिला जी के बारे में। उर्मिला जी के बारे में चलिए। जिसकी जिसकी मदद ली है आपने, आप चाहते हैं उसको खुश कर दें, है ना? सिद्धांत ये अपनाइए कि मदद देने के बाद किसी को पूछता नहीं है। चलो खाने का हो जाएगा, रोकना तो है नहीं। चलो चलो यही समझना।
कहाँ लिखा है? अच्छा रोक ना, रुक रुक। चलो ये सब बच्चे भी कनाडा पहुंच गए। ये उसमें है, दिखाए हैं कि हमारे परिवार के पास एक विद्यालय भी है। कौन दिखाया है? वो जो पुनो सिंह है। यहाँ ले लो, उतर के ले लें। अंदर के लोग बंद हो जाता है, कहाँ लेना पड़ेगा। इस विद्यालय को महादेव सिंह जी ने बना, अरे ये महादेव सिंह उनके भाई के लड़के थे, दिलेश्वरी, उन्हीं की याद में बना है। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद। सुग्रीव कुमार, प्रमोद चौहान, अफजल। क्या नाम है? दुसियम। कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी। दिखा रहे हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। चलो चलो चलो। हेलो 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 हे
इसी परिवार के इसी खानदान के लोग जो हैं इधर आगे बसे हुए हैं उनको भी हम लोग भगवान का ज्ञान मिल सकता है। अरे वो भगवान का ज्ञान मिल सकता है।